बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है क्योंकि लड़ाई कांटे की चल रही है। यही वजह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी और नीतीश के दफ्तर के साथ साथ आरजेडी दफ्तर के बाहर भी जश्न मनाया जा रहा है। एनडीए को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। महागठबंधन ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। अगर अभी अभी के आंकड़ों की बात करें तो एनडीए के खाते में 124 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही 111 सीटों पर महागठबंधन आगे है। अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इन सबके बीच करीब 20 सीटें ऐसी है जहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच महज 1000 वोटों का अंतर है, जबकि 33 सीटों पर करीब 2000 वोटों का अंतर है। ऐसे में किसकी जीत होगी, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए चुनाव नतीजों का हर किसी को इंतजार है। बाजी पलट भी सकती है, एनडीए की जीत का दायरा भी बढ़ सकता है। वहीं बिहार की बड़ी पार्टी की बात करें तो आरजेडी और बीजेपी में बड़ी पार्टी को लेकर टक्कर है। दोनों पार्टियों ने 70 से ज्यादा सीटें जीत ली है। कभी बीजेपी आगे तो कभी आरजेडी आगे होती है। उधर चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चिराग को एक भी सीट मिलना मुश्किल लग रहा है। बहरहाल चुनावी नतीजों के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा।